राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर एक नए वीडियो में यानी नए ब्लॉग में। आप सबको लेके आए हैं बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, कैसे और कोई अगर ऐसी गलती हो रही है हमसे कि जो वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या कोई मिस्टेक है तो वो भी हमें आप लोग बता सकते हो। इसमें हमें कोई बुरा नहीं लगे, इससे हमें अच्छा लगे कि आप लोग हमारे लिए हेल्प कर रहे हो और हम आपकी बहन की मदद कर रहे हो। तो आप लोग सोच रहे हो क्या, पहले हम बुंदेलखंडी में बात करके वीडियो बनाते थे और अब हम हिंदी में बोल के वीडियो बना रहे। तो भैया हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग हैं, सब्सक्राइबर दीदी भैया लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट किया है कि आप बुंदेलखंडी में ना हिंदी में वीडियो बनाएं यानी कि ब्लॉग वीडियो शूट करें। तो भैया हम ब्लॉग वीडियो और एक भैया है जो हमें नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब सागर भैया है क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है उनका, तो बोल रहे थे कि वो ट्राईपोड ले लो और ब्लॉगिंग वीडियो शूट करो बच्चों के साथ में उनको खिलाते खिलाते। तो भाई हमारे पास ट्राईपोड के लिए पैसे नहीं है, इसलिए इसकी वजह से हम ट्राईपोड नहीं खरीद सकते। अब ट्राईपोड के पैसे तो हैं लेकिन ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ट्राईपोड है बोलते हैं ऐसे कुछ, हमें समझ नहीं है, मतलब से ज़्यादा हम जानते नहीं हैं ना भैया। तो भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अगर ओ पैसे तो है लेकिन अभी बच्चों को एडमिशन कराना है बिटिया का, तो उसके पैसे हम एडमिशन में लगा देंगे। अभी कॉपी यूनिफॉर्म वगैरह सभी तो खरीदनी पड़ेगी ना, तो अब ये इसका तो चल जाएगा है ना, लेकिन उसका नहीं चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का नहीं चलेगा। अब 3.5 साल की हो गई आराध्या, तो अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि उसका एडमिशन रोक दें। और भाई खर्चा कितना लगता है बच्चों के साथ में, कितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अब हम उसमें कितने का आएगा ट्राईपोड तो हमें नहीं पता है क्योंकि हमने कभी ख़रीदा ही नहीं है, कभी हमारे पास पैसे ही नहीं, मतलब पैसे अब पतिदेव से मंगाओ तो अच्छा नहीं लगता, अब वो भी सोचते हैं कि बताओ हमारे ऊपर निर्भर है। हाँ एक तो ये रहता है कि भाई मतलब हम अपने पतिदेव की बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि भाई हम उनसे कब तक पैसे मंगाएंगे, हम अपने खर्चों को कब तक हम अपने बच्चों को हम यहाँ वहाँ भटकाएंगे। भाई जब हम सोचते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब हम अपने लिए कुछ अलग से लेंगे, हमें नहीं चाहिए। अब बहुत कुछ ले लिया उनसे ज़िंदगी में, हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ हमारे पास है उनकी बदौलत, लेकिन अब हमें और कुछ नहीं चाहिए उनसे, हमें उनका वो नहीं चाहिए, एहसान नहीं चाहिए। अब वो तो कोई एहसान नहीं करते, उनका फ़र्ज़ बनता है अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, लेकिन अब हमें लगने लगा है उनकी बातों से, उनके घर वालों की बातों से, तो भैया हमें उनका कोई भी अब कर्ज नहीं चाहिए। भैया हम दुनिया में आए हैं तो भैया हम अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाएंगे उनको भी और अपने घर वालों को भी। भैया हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, सबसे बड़ी बात यह है। भैया हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, हम किसी के दम पे थोड़ी ना जिएंगे। अगर ऐसी ज़िंदगी है भैया किसी के ऊपर निर्भर रह के जीना पड़े तो ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती है, ऐसी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, 2-2.5 साल हो गई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को बता दें हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत मतलब जो हमारे सिर में चोट लगी है वो कभी कभी ज़्यादा ज़्यादा दर्द करने लगता है, हमारा सिर दर्द होने लगता है और ये हाथ है, हाथ की वजह से मतलब बहुत हम लाचार से हो जाते हैं कभी कभी, तो क्योंकि हमसे कुछ काम ही नहीं बनता है। करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, घर का काम कितना होता है, काम तो हम कर लेते हैं सारा काम, गांव देहात के हम भी पले बड़े हैं तो भाई काम तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। अभी तो कर लेंगे फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। अब जैसे हमने आप लोगों को कल बताया था कि हम मार्केट गए थे, अब कल मार्केट गए थे तो आज हमें इतना तेज़ बुखार है कि हम क्या बताएं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है। और ओम को साथ में लेके गए थे तो गोदी लिए रहे दिन भर जब तक हमारा वो काम नहीं बन गया, मतलब भैया का ओम का आधार कार्ड और कुछ ऐसे सामान वगैरह तो इनका ही ख़रीदा, जैसे क्रीम पाउडर है भैया का, हमारे लिए नहीं कुछ, भैया हम कुछ अपने लिए कुछ नहीं खरीदते हैं। हमें तो सच्ची बताया हमारा मेकअप में क्या रहता है, आप लोगों का भी मेकअप बताएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम बहुत सारा मेकअप करते हो या फिर मतलब बस सूरत हो और मेकअप की वजह से आप लोग इतना वो करते हो दिखते हो, तो भैया हमारा मेकअप में आप लोगों को बता दें क्या करते हैं, सिर्फ एक 10 रुपये की फेयर एंड लवली है और एक लिप बॉम है जो कि जो लिप्स फट जाते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मतलब टाइफाइड रहा पहले बहुत दिन से तो उसकी वजह से जहाँ ये लिप्स है ना तो फट जाते हैं, तो वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ओम का काजल रहता है वो काजल लगाते हैं, और बिंदी और सिंदूर
बस इतना ही हमारा मेकअप रहता है भाई, हम और कुछ इस्तेमाल नहीं करते। कभी आप लोग दीदी को, दीदी लोग आप सभी लोगों को बताएंगे कि हमारा मेकअप कितना रहता है, कितना मेकअप है मेरा। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत मेकअप करती होगी आरती, बहुत मेकअप करती है। भैया हम कुछ मेकअप नहीं करते, हमारे पास मेकअप है ही नहीं। शौक़ तो बहुत होता है मेकअप करने का, हम मेकअप करें, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करें, बाल अच्छे बनाएं, तैयार हों, फिर वीडियो शूट करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएं, हर कुछ चीज़ उनको उपलब्ध कराएं। होते हैं क्या करें, अब लोग बोलते हैं कि मतलब एक दीदी हमसे बोल रही थी कि आरती तुम्हारे पास के कपड़े नहीं है, बार बार एक ही दो जोड़ी सूट है वही उसी का इस्तेमाल करते हो। तो मैं, मेरे पास सच में नहीं है क्योंकि मैं खरीदती नहीं हूँ। मैं सोच लेती हूँ कि चलो अभी का मेरा चल जाएगा, बाद में मेरे बच्चों को दिला दूँगी। और आप लोग सोचोगे हम अपने लिए सच में कुछ नहीं लेते, ये मम्मी दिला दे तो ठीक है, ना तो चलता है, अच्छा नहीं लगता ना यार, बार बार अपने मम्मी पापा से दिलाओ कि मम्मी हमें ये दिला दो वो दिला दो, क्या करें, मजबूरी है ना, वो इसलिए दिला देते हैं। और हम पैसे दे देते हैं कि ले लेना, लेकिन हम अपने बच्चों को दिला देते हैं कि भाई हमारे बच्चों को ना लगे कि हमारी मम्मा हमें कुछ नहीं दिलाती है, मम्मा इतनी वो है, लाचार है कि अपने बच्चों की मतलब कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, उनको जो भी चाहिए हम उनको दिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ दिलाने की कोशिश करते हैं, कोई भी कमी ना रहे। जैसे हमें अपने बचपन से हमें कुछ चीज़ की कमी नहीं रही, बस गलती इतनी सी हो गई कि हम पढ़ नहीं पाए। बहुत सारा रीज़न है उसका, पढ़ाई ना करने का, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हम, बहुत बड़ा रीज़न है। अब रीज़न क्या है वो तो आप लोग कभी जाओ कमेंट करके पूछ लेना, तो हम बता देंगे अगले वीडियो में क्या रीज़न रहा क्या नहीं रहा। बहुत बड़ा रीज़न है, आज पढ़ लिया होता तो आज पता नहीं क्या कर रहे होते, है ना, शायद इसीलिए नहीं पढ़ पाए होंगे कि भाई हमारी किस्मत में ओम घोषी हैं, आराध्या घोषी हैं, तो इनकी वजह से नहीं पढ़ पाए होंगे। अगर पढ़ लेते तो अभी थोड़ी ना शादी नहीं होती, हमारे साथ की लड़कियों की शादी नहीं हुई अभी तक, पता है आप लोगों को। हमारे जो हमारे साथ में पढ़ाई पढ़ती थी वो उन लड़कियां कुछ तो जॉब करने लगी, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई महाराष्ट्र में है, बहुत बड़ी दूर दूर है, अच्छे जॉब कर रही हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। हमारे घर वालों के पास इतने पैसे ही नहीं थे, कुछ कंडीशन ख़राब थी या किस्मत तो कह लो, पता नहीं क्या था। तो चलो अब थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को अच्छी सी जानकारी दे दें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, और आप लोगों को बता दें कि अभी वो वहाँ से लौट आए हैं और एक हॉस्पिटल है जो कि वहाँ पे गए थे, नाम नहीं लेंगे हॉस्पिटल का, तो वहाँ सेवा पे जो भी फ्री। चलो आज का वीडियो यहीं तक रहने दो क्योंकि हमारा भाई बेटा, ओम भाई नहीं मेरा बेटा है, अब थोड़ा सा रोने की कोशिश कर रहा है। अगर शॉर्ट वीडियो भी देखना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तो भैया ऑल कप सेलेक्ट कर लेना, जैसे भी कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा वीडियो, तो आप लोग उस वीडियो को देखना, उसको भी लाइक करना, उस और सभी लोगों को शेयर भी कर देना, कोई भी कहीं भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, शेयर कर देना तो ताकि सभी लोग देखने लगे। आपकी बहन का चैनल मोनेटाइज तो हो गया है लेकिन कुछ खोजने लगे, पैसे आने लगे, है ना, आपकी बहन अपने बलबूते पे अपने बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ दिला सके। हाँ देखो हंस रहा है ओम, ओम हंस रहा है ओम, पता है 5 महीने का हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, 5 महीने का हो जाएगा मेरा बेटा ओम। हाँ चलो ठीक है भाइयों बहनों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम, जय श्री राधे।